हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज किचन ट्रीट्स में बन रही है मज़ेदार पाव रेसिपी, जिसका नाम है चीज़ मसाला पाव। इसे सब्जियों की स्टफिंग से तैयार करके बनाया जाता है, इसलिए ये नाश्ता बड़ा ही हेल्दी बनकर तैयार होता है। चीज़ मसाला पाव बनाने के लिए सबसे पहले इसके मसाले को तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा बटर लिया है। अगर आप चाहें तो बटर की जगह घी का यूज़ भी कर सकते हैं। बटर के मेल्ट हो जाने पर इसमें डालेंगे जीरा। जीरा जब अच्छे से पॉप हो जाए, रोस्ट हो जाए, तो इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, साथ ही गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा चला देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज ही के साथ में डालेंगे शिमला मिर्च, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। इसे बहुत ज़्यादा देर फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। ब्रेड या पाव की रेसिपी बच्चों हो या बड़े हो, सभी को बहुत पसंद आती है और जल्दी ही बनकर तैयार भी हो जाती है। इसके मसाले को आप पहले से बनाकर फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। यह 3 से 4 दिन तक ख़राब नहीं होता है, और जब भी आपके यहाँ कोई मेहमान आए या बच्चों को नाश्ता में खिलाना हो, तो तुरंत मसाले से पाव स्टफ करके इसे तैयार किया जा सकता है। बहुत ही कम समय में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। आप देखिए, प्याज और शिमला मिर्च हल्के से फ्राई हो गए हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें जाएगा टमाटर, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था, और साथ ही डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, जिससे टमाटर जल्दी ही सॉफ्ट हो जाएं, पक जाएं। अब इस सारे मसाले को थोड़ी देर भून लेंगे। जब तक मसाला भूनकर तैयार हो रहा है, तब तक आप मेरे चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टमाटर सॉफ्ट हो गया है, अब इसमें बॉइल्ड मटर के दाने मिला देंगे। मैंने यहाँ हरी मटर का प्रयोग किया है, आप चाहें तो इसकी जगह फ्रोजन मटर का यूज़ भी कर सकते हैं। अब 2 मिनट इसे ढककर पका लेंगे, जिससे मटर नमक एब्जॉर्ब कर ले। करीब 2 मिनट हो गए हैं, अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। मिर्च की मात्रा को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर आप बच्चों के लिए नाश्ता बना रहे हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे सबसे मेन इंग्रेडिएंट, पाव भाजी मसाला। इस मसाला से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हमारा यमी मसाला स्टफिंग के लिए तैयार हो गया है। अब मैंने यहाँ पाव को लिया है, ये पाव जनरली पाव भाजी में यूज़ होने वाली पाव है। अब इसे नाइफ़ की हेल्प से कुछ इस तरह से कट करेंगे कि पाव बीच से जुड़ी रहे, इस तरह से। मैंने सभी पाव को काट लिया है। अब यमी टेस्ट लाने के लिए इसके एक साइड में लगाएंगे टोमेटो सॉस, और इस मसाले को कटे हुए पाव के बीच में फैलाकर कुछ इस तरह से भर लेंगे। अब मैंने यहाँ चीज़ को लिया है, जिसे मैंने पहले ही ग्रेट कर लिया है। मैं यहाँ प्रोसेस्ड चीज़ का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो चीज़ स्लाइस का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब ग्रेटेड चीज़ को स्टफिंग के ऊपर फैलाकर भर लेंगे। यहाँ मैंने सभी पाव में मसाला भरकर तैयार कर लिया है। अब मैंने यहाँ पैन लिया है, इसमें थोड़ा सा डालेंगे बटर और पाव भाजी मसाला। अब स्टफ्ड पाव को इसमें फ्राई होने के लिए रख देंगे। जब एक साइड से पाव फ्राई हो जाए, तो इसे पलट देंगे, इसके ऊपर से थोड़ा सा बटर लगा देंगे, जिससे ये फ्राई होने के साथ साथ अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाए। अब सभी पाव अच्छे से फ्राई हो गई हैं, देखिए क्रिस्पी सी हो गई हैं। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बाकी बची पाव को भी हम इसी तरह से एक एक करके सेंक लेंगे। ये देखिए, हमारी यमी चीज़ मसाला पाव बनकर तैयार है। इसे आप चीज़ या धनिया से गार्निश करके कहीं भी कभी भी झटपट बनाकर सर्व कर सकते हैं।
ये बड़े ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। आपको हमारी ये मज़ेदार रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।